हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं टाइपिंग जॉब के बारे में, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि टाइपिंग जॉब अर्न अप टू 200 रुपीज़ पर असाइनमेंट ऑनलाइन डेटा एंट्री जॉब एंड टू टाइपिंग जॉब ऑनलाइन एंड अर्न मनी वर्क फ्रॉम होम अर्न 1000 to 5000 पर डे, गेट पेड फ्रॉम 100 to 200 पर असाइनमेंट। सो इसे ओपन किया जाए और आपको सब कुछ बताया जाए। उससे पहले यहाँ पे कुछ जो बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है, वो बातें मैं आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा, ठीक है। एंड पेमेंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपको बता दी जाएगी। एंड आप वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड नए नए वीडियोस आपको डेली मिलते रहेंगे यहाँ पर अर्निंग से रिलेटेड, ठीक है। ये आप जो भी मैं तरीका बताऊँ, सारे तरीके आप अप्लाई किया करो, मेहनत किया करो, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले मैं आपको बताता हूँ, इतने सारे तरीके मैं आपको बताता हूँ, तो इनको आप हर एक फॉर्मूले को, हर एक वे को, हर एक तरीके को अच्छे तरीके से करेंगे तो कोई ना कोई सा तरीका आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। कि अगर आप एक या दो वीडियोस देखकर और उन तरीक़ों को अपनाते हैं और दो दिन तीन दिन काम करते हैं, तो यहाँ पे दो तीन दिन दिन में अर्निंग नहीं होती है ऑनलाइन, ठीक है। आपको पेशेंस रखना होगा एंड डेली नए तरीके को यूज करना होगा और पेशेंस बना के रखना होगा और काम करते रहना होगा, क्योंकि ऑनलाइन में यही है कि कभी भी जो है कि कोई भी फॉर्मूला जो आप यूज करते हो, कोई भी तरीका आप यूज करते हो अर्निंग के, 4 से 5 वेबसाइट पर आप काम करते हो, तो कोई सा भी तरीका आपको रिजल्ट दे सकता है कभी भी, अगर आप उस पर रेगुलरिटी बना के रखते हो, लगातार उस काम के ऊपर मेहनत करते हो, उस काम को बिना स्किप किए करते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखिए इसे हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर फ्री टाइपिंग जॉब वेबसाइट का नाम ऑनलाइन डेटा एंट्री जॉब .com, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर अर्न अप टू 200 पर टाइपिंग टास्क, ठीक है। पर टाइपिंग टास्क आपको 200 रुपये तक मिल सकता है इसमें, और वो कैसे मिलेंगे पूरा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो में, ध्यान से देखते रहिए। डू अप टू 10 टाइपिंग टास्क पर डे, ओके। 10 टाइपिंग टास्क आप एक दिन में अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके लिए आपको बेसिक टाइपिंग नॉलेज होनी चाहिए, आपका टाइपिंग स्पीड अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आपका टाइपिंग स्पीड समथिंग 40 के आसपास तो होना ही चाहिए, ठीक है, 40 के आसपास होना चाहिए, 4 WPS के साथ। यहाँ पे अपनी टाइपिंग की स्पीड आप कैसे पता करें, तो ये मैं आपको सरल तरीका बता दूँ कि अपनी टाइपिंग को आप 1 मिनट का टाइमर लगा दीजिए और MS वर्ड के अंदर टाइप कीजिए, और 1 मिनट में आप कितना टाइप कर पाते हैं, कितने वर्ड्स टाइप कर पाते हैं बिना स्पेलिंग मिस्टेक के, बिना एरर के, तो वो आपको 1 मिनट में आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वर्क फ्रॉम होम आपको करना है, तो लैपटॉप मोबाइल आपके पास होगा उस पर आप काम कर सकते हैं, लैपटॉप मोबाइल फ़ोन PC जो भी है। नो मिनिमम नंबर्स ऑफ टाइपिंग टू बी डन इन द, आपके लिए कोई भी टाइमिंग फिक्स नहीं है, कोई भी काम फिक्स नहीं है, इसके अंदर कितना भी आप काम कर सकते हैं। डू अप टू 10 असाइनमेंट पर डे, 80% एक्यूरेसी अप टू पेड नाउ, ऑल योर टाइपिंग जो विल बी वैलिड एंड अप्रूव्ड इन 24 आवर। आपको जो भी टाइपिंग वर्क होगा वो आप कंप्लीट करेंगे तो वो अप्रूव होगा 24 आवर्स के अंदर, ठीक है। एंड चेक योर रिपोर्ट अर्निंग हिस्ट्री इन द मेंबर एरिया 24/7, ठीक है। एंड यहाँ पर हाउ मच कैन आई अर्न पर टाइपिंग असाइनमेंट, तो यहाँ पे ये भी आप देख सकते हैं, यू कैन अर्न
अप टू 200 पर टाइपिंग असाइनमेंट जॉब। ओके नाउ देखिए नीचे डिटेल्स में वेबसाइट पर कंप्लीट डिटेल आपको बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक एक चीज़ को पढ़ेंगे तो सब सीख जाएंगे, सब जान जाएंगे। ये कोई भी चीज़ होती है जिसे हम खुद जब तक ट्राई नहीं करते वो आती नहीं है हमें, ठीक है। विल बी पेड देयर एनी मिस्टेक माई टाइपिंग असाइनमेंट टू यू विल बी पेड योर एक्यूरेसी 80% एंड यहाँ पर कैन आई चूज एनी अवेलेबल टाइपिंग टास्क। यस आप जो भी टाइपिंग टास्क चूज करेंगे वो आप कर सकते हैं। एंड हाउ मच टाइम डज टेक टू कम्प्लीट नाउ, 10 से 15 मिनट का आपका असाइनमेंट होगा, जो भी असाइनमेंट आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये 10 से 15 मिनट का काम होगा आपका। देखिए क्वेश्चन भी डाल रखा है, आंसर भी डाल रखा है यहाँ पर। कैन आई वर्क एट माई ओवन टाइम, यस अपने ओवन टाइम पे ये काम आप कर सकते हैं, अपने घर से, अपने गांव से, अपने गली कस्बे से, जहाँ से भी आप रहते हो, जहाँ पर भी, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मोबाइल पे ही अप्लाई करें, कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे काम कर सकते हैं आसानी से और अर्निंग कर सकते हैं। और ये डिटेल्स यहाँ पे दे रखिए। देखिए व्हाट हैपन वंस आई फिनिश माय टाइपिंग असाइनमेंट टू यू, वंस योर कंप्लीट टास्क योर असाइनमेंट विल बी पेंडिंग validations now an administration's team valid assignment creating your earning within 24 hours. How can I check my earning? तो यहाँ पर आपकी earning check करने के लिए आपको options दिए जाएंगे, typing reports दी जाएगी, फिर registration है, 100% accuracy है यहाँ पर, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, 100% accuracy है। एंड देखिए अब पेमेंट की बात हम कर लेते हैं, तो यहाँ पे पेमेंट के लिए भी आपको बता दो। देखिए ओवरऑल अर्निंग टाइपिंग जॉब अर्निंग प्लस इंसेंटिव लगाकर मिनिमम पे आउट 3,000 रुपये आप भेज सकते हैं अपने, ठीक है। अब देखिए भेजने के लिए ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं, पेमेंट मोड चेक कीजिए। पेमेंट मोड यहाँ पे देखिए ट्रांसफ़र के लिए ट्रांसफ़र चेक मनी, ओके एंड ऑर्डर्स और पेटीएम और पेपल, जो भी आप तरीका यूज करना चाहते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। पेपल पेटीएम ट्रांसफ़र चेक मनी बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र, जो भी आप अपने हिसाब से यूज करना चाहते हैं। और पेमेंट रिलीज डेली अपना पेमेंट आप ले सकते हैं, 3,000 रुपये तक की अर्निंग अगर आप कर लेते हैं असाइनमेंट कंप्लीट करके तो डेली अपना पेमेंट आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। एंड गेट पेड डायरेक्टली फॉर्म्स नॉट फ्रॉम थर्ड पार्टीज, ओके देखिए हाउ मच कैन आई अर्न एंड ये जस्ट एग्जांपल spending just 1 hour you can up to complete 6 assignment in the day and typing assignment into 200 1200, so daily earnings 1200 into 30 days 1200 to total 36,000 in a month, 36,000 की इनकम आपकी हो जाएगी। बट ये आपको मेहनत करना होगा, काम करना होगा डेली, ठीक है। पेमेंट ग्रुप के लिए आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके अपना जो भी आप चेक करना चाहते हैं लिस्ट वो आप चेक कर सकते हैं और 36,000 अर्निंग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। इस वेबसाइट पे आप अकाउंट क्रिएट करें, यहाँ देखिए क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करें और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक न्यू ऑप्शंस मिलेगा, इसमें आपको अपनी मेल आईडी फिल करनी है, रजिस्ट्रेशन का पेज मिलेगा, मेल आईडी फिल करके अपना नाम फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड अपनी मेल आईडी का आप खास तौर से ध्यान रखें। पेमेंट की बात मैं बता देता हूँ आपको, मेल आईडी जब आपको पूछी जाएगी रजिस्ट्रेशन पे
जब आप क्लिक करेंगे अपना डिटेल फिल करेंगे तो आपको अपना वही मेल आईडी टाइप करना है जो अभी आप यूज करते हैं। उस मेल आईडी से आपका पेपल अकाउंट कनेक्टेड हो और एक्टिव हो रिसेंटली। यदि आप बिना पेपल से कनेक्टेड मेल आईडी डाल देते हैं बाय मिस्टेक आप बिना पेपल से कनेक्टेड वाले मेल आईडी डाल देते हैं तो बाद में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, पेमेंट थोड़ा सा कट जाता है उसमें $10-15। ठीक है, आप $10-15 हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, इसलिए आप उस बात का ध्यान रखें। सो मेल आईडी वही डालें जो भी आप यूज करते हैं। तो कीजिए काम स्टार्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।